कोच एट जालौन के ट्रेन दोबारा चलाए जाने के रेल मंत्री को संबंधित ज्ञापन SDM को सौंपा। कोच जालौन में बंद पड़ी कोच एट शटल ट्रेन का चलाए जाने को लेकर अधिवक्ता ने रेल मंत्री को संबंधित ज्ञापन SDM को सौंपा। वर्संग अध्यक्ष संजीव तिवारी के नेतृत्व में आज बुधवार को अधिवक्ता ने रेल मंत्री को ज्ञापन भेजते हुए बताया कि पिछले 1.5 साल से देश के सबसे छोटे ट्रेन बंद पड़ी हुई है, जिससे क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोच एट जालौन स्थानीय तक 14 किलोमीटर की रेल लाइन ब्रिटिश शासन काल में सन 1885 में डाला गया था। उस समय कोच नगर में व्यापार के लिए अंग्रेजी रेलवे लाइन का डलवाया गया था। बार संघ के पदाधिकारियों ने बंद पड़ी कोच एट शटल चालू कराए जाने की रेल मंत्री से मांगी गई ज्ञापन। जालौन से जिला संवाददाता कृष्ण कुमार कुशवाहा की खास रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, आपने आज जो ज्ञापन दिया है किस संबंध में दिया है? आज बार एसोसिएशन पहुँच जिला जालौन के द्वारा माननीय रेल मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय पहुँच के द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि पहुँच नगर में एट पहुँच और एट स्टेशन के बीच में जो शटल ट्रेन विगत लगभग 100 साल वर्ष पूर्व से चल रही थी, जिसको सन 1885 में शुरू किया गया था और जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे छोटी रेलवे लाइन है 14 किलोमीटर की, वो कोरोना काल होने की वजह से लगभग 1.5 वर्ष से बंद पड़ी हुई है। इस ट्रेन के बंद शटल ट्रेन के बंद होने से पहुँच नगर के व आसपास के निवासियों को, जो कि एक स्टेशन से झांसी कानपुर दिल्ली भोपाल गोरखपुर बम्बई शहरों के लिए यात्रा करने के लिए जाते हैं, उनको यात्रा ना होने से काफ़ी कठिनाइयों का संघर्ष करना पड़ रहा है। मैंने पार संघ के माध्यम से रेल मंत्री से मांग की है कि पहुँच और एट शटल को अतिशीघ्र से शुरू किया जाए और इसकी शुरू ना होने से जो राजस्व की हानि भी हो रही है वो भी उसकी भी भरपाई की जाए।